जो लोग ये कह रहे हैं ना कि YouTube आपका वीडियो कभी वायरल नहीं करेगा, YouTube के भरोसे मत लो, YouTube गलत फहमी मत रहो, जो लोग ये कह रहे हैं ना उनको यहाँ पर मैं आपको सारी सच्चाई बताने वाला हूँ कि आपको गलत फहमी नहीं रहना है, किस तरीके से नहीं रहना यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि गलत फहमी मत रहो, YouTube आपकी वीडियो कभी वायरल नहीं करेगा, YouTube आपको नहीं बताएगा, तो सब झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने YT स्टूडियो में, यहाँ पर मैं YT स्टूडियो में आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ, शॉर्ट में जाता हूँ, यहाँ पर मोस्ट व्यूड वीडियो दिखाता हूँ, जो सबसे ज़्यादा मेरी वायरल वीडियो, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो है 3.8 लाख इस पर व्यूज़ आया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। और ये वीडियो मेरी वायरल हुई है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की ही वजह से, क्योंकि यूट्यूब ने खुद बताया है कि आपकी वीडियो कैसे वायरल होगी। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर बोल रहे हैं कि गलत फहमी मत रहो, यूट्यूब आपको कभी नहीं बताएगा वीडियो कैसे वायरल होगी, कभी नहीं बताएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आपको इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, यूट्यूब आपको खुद बताएगा कि आपकी वीडियो कैसे वायरल होगी। जैसे ये वाली अब वीडियो आप लोग देखो, सारी चीज़ आप लोग चेक करो, 3.8 लाख व्यूज़ आया है और अभी प्रेजेंट टाइम पर इस पर व्यूज़ आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए प्रेजेंट टाइम पर देखिए 48 घंटे में कितना व्यूज़ है, 1460, यानी कि 48 घंटे में यहाँ पर देखिए 1460 व्यूज, यानी कि हर एक एक मिनट में व्यूज़ आ रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ 60 मिनट में व्यूज़ दिखाता हूँ, देखिए 60 मिनट में देखिए व्यूज़, हर एक एक मिनट में, हर एक एक सेकंड में व्यूज़ आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि ये वीडियो मेरी वायरल, और क्यों वायरल है? सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की ही वजह से, क्योंकि यूट्यूब ने मुझे खुद बताया है कि ये वीडियो किस तरह से वायरल हुई है, और इसी वीडियो के दम पर आप लोग भी अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ कि आखिर यूट्यूब आपको कब बताएगा कि आपकी वीडियो वायरल होगी, कब आपको बताएगा कि आपका चैनल ग्रो होगा। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर कह रहे हैं कि यूट्यूब के भरोसे मत रहो, यूट्यूब आपको कभी नहीं बताएगा, तो इस गलत फहमी में नहीं रहना है। यहाँ पर मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें, कि देखो 3.8 लाख के आसपास व्यूज़ हैं और इस एक वीडियो से ही। यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, देखिए वॉच टाइम कितना मिला है, 17,500 घंटे का वॉच टाइम मिला है और आपको 4,000 घंटा चाहिए होता है। और यहाँ पर मैं आपको सब्सक्राइबर दिखाता हूँ, देखिए 1,000 सब्सक्राइबर सिर्फ और सिर्फ इसी ही वीडियो से मिला है। और ये वीडियो क्यों वायरल है? क्योंकि यूट्यूब ने खुद बताया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये वीडियो क्यों वायरल हुई और यूट्यूब आखिर आपको कैसे बताएगा कि आपकी वीडियो वायरल होगी, आपका चैनल ग्रो होगा, यूट्यूब आपको कब बताएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो की लेंथ दिखाता हूँ, ठीक है। ये वीडियो की आप लोग सबसे पहले लेंथ देखो, यहाँ पर आप लोग लेंथ देखिए वीडियो की कितनी है, ये 12 मिनट की वीडियो है, ठीक है, 12 मिनट की, यानी कि वीडियो है। यहाँ पर देखिए आप लोग सारी चीज़ें, 12:52 मिनट की वीडियो है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको वीडियो की लेंथ दिखाई है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको जब भी अपना चैनल ग्रो करना हो या वीडियो वायरल करानी हो तो आपको लंबी वीडियो बनाना चालू करना है, ठीक है। लंबी वीडियो आपको क्रिएट करना चालू करना, यानी कि 8 मिनट से ऊपर की, 10 मिनट से ऊपर की वीडियो आपको बनानी है, 8 मिनट से ऊपर की तो आपको वीडियो 100% बनानी है, जिससे YouTube आपकी वीडियो को बूस्ट करेगा, आपकी वीडियो को सजेस्ट करेगा, आपके चैनल ग्रो करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग YouTube पर शॉर्ट बनाते हैं या क्या कहते हैं कि 2 से 3 मिनट की वीडियो बनाते हैं, तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जिनका कंटेंट शॉर्ट वाला है वो तो शॉर्ट डालें, लेकिन जिनका कंटेंट लॉन्ग वाला है तो उनको 8 मिनट से ज़्यादा की वीडियो अपने चैनल पर डालनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल के एक्सपीरियंस से मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि यूट्यूब पर लंबी वीडियो जल्दी वायरल होती है, क्योंकि लंबी वीडियो का एल्गोरिदम अलग काम करता है। लंबी वीडियो जो होती है वो यूट्यूब के एल्गोरिदम पर सटीक बैठ जाती है, क्योंकि इस पर ऑडियंस रिटेंशन बनता है। कैसे बनता है? यहाँ पर जैसे ये वाली वीडियो देखिए, नीचे आएंगे आप लोग तो यहाँ पर देखिए इसका ऑडियंस रिटेंशन बना हुआ है, इसको बोलते हैं ऑडियंस रिटेंशन। देखिए 2 मिनट 45 सेकंड का इसका ऑडियंस रिटेंशन बना है, यानी कि यहाँ पर देखिए 21.9% के आसपास जो है इसका ऑडियंस रिटेंशन बना है। तो ऑडियंस रिटेंशन जो बनता है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग वीडियो का ही बनता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लॉन्ग वीडियो क्रिएट करनी है, यानी कि 8 मिनट से ऊपर की वीडियो आपको क्रिएट करनी है, जिससे आपकी वीडियो में ऑडियंस रिटेंशन बने। और ऑडियंस रिटेंशन बनने के साथ आपकी वीडियो में क्या बनना चाहिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे मेरी वीडियो है तो ये वायरल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका 2 मूवमेंट बहुत जरूरी है बनना, एक है इंट्रो और एक है टॉप मूवमेंट। ये 2 मूवमेंट आपका बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। इंट्रो क्या होता है? इंट्रो यानी कि आपकी वीडियो का स्टार्टिंग का 30 सेकंड, जो आपका 30 सेकंड होता है उसको इंट्रो बोलते हैं। तो 30 सेकंड तक आप लोगों को बांध के रखो अपनी वीडियो में, यानी कि जैसे आपकी वीडियो को लोग क्लिक करें तो आपकी वीडियो को 30 सेकंड तक जरूर देखें। तो इस तरह से आपको अपनी वीडियो को एडिट करना है, लास्ट मतलब स्टार्टिंग का पार्ट, स्टार्टिंग का 30 सेकंड आपको एकदम यूनिक तरीके से एडिट करना है, जिससे लोग आपको आपकी वीडियो देखते ही आपकी वीडियो को छोड़ के ना जाए, 30 सेकंड तक बने रहें। तो अगर आपकी वीडियो 30 सेकंड तक देखी जाएगी तो आपकी वीडियो 100% वायरल होने के चांस बढ़ जाएंगे और आपका चैनल भी ग्रो हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए इस वीडियो का इंट्रो देखिए यहाँ पर बना है, यहाँ पर देखो यूट्यूब खुद बता रहा है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखो आप लोग, 61% ऑफ व्यूवर्स आर स्टिल वॉचिंग एट अराउंड द 0.30 मार्क विच इज अबव टिपिकल, यानी कि 60% से जो ज़्यादा की ऑडियंस है वो 30 सेकंड तक मेरी वीडियो को देख रही है।
जिससे इसका जो है ऑडियंस रिटेंशन बना। यहाँ पर देखिए यूट्यूब हमें खुद बताता है कि ऑडियंस रिटेंशन आपकी वीडियो बना है और आपकी वीडियो वायरल हो सकती है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, लंबी वीडियो बनाना है, कम से कम 8 मिनट की वीडियो क्रिएट करो। उसके बाद दूसरा, आपको अपनी वीडियो का इंट्रो बहुत अच्छे से एडिट करना है जिससे लोग 30 मिनट तक आपकी वीडियो में बने रहें। और उसके बाद आपको क्या करना है, टॉप मूवमेंट आपको अपनी वीडियो में बनाना है, यानी कि पहले तो इंट्रो बना लिया, उसके बाद टॉप मूवमेंट। अब टॉप मूवमेंट वो होता है जैसे आप लोग अपनी वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सस्पेंस वाली चीज जरूर जरूर क्रिएट करो जिससे लोग वहां पर ज्यादा ज्यादा देखे। जैसे यहाँ पर टॉप मूवमेंट देखिए कहाँ से कहाँ तक ये ग्राफ दिखा रहा है, ये ग्राफ जो है पिंक कलर का, इसको बोलते हैं टॉप मूवमेंट। तो यहाँ पर देखिए मेरी वीडियो का भी टॉप मूवमेंट बना हुआ है जिससे जो है मेरी वीडियो वायरल है ये। तो इसी तरह से आपको भी अपनी वीडियो में टॉप मूवमेंट बनाना है। उसके लिए आपको अपनी वीडियो थोड़ा इंगेजमेंट बनाना है, आपको अपनी वीडियो में थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करना है, थोड़ी आपको यूनिक चीज़ें करनी है। आप लोग लंबी वीडियो बनाते हो, मुझे पता है लंबी वीडियो आप लोग पूरी एकदम पूरी 10 मिनट की पूरी वीडियो इंगेजिंग नहीं बना सकते, लेकिन आपको 30 सेकंड का जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसको इंगेजमेंट बनाना है, और बीच में आपको कहीं 1 से 2 मिनट का इंगेजिंग वाला पार्ट बनाना है, सस्पेंस वाला पार्ट बनाना है जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस पार्ट को देखें। तो इससे टॉप मूवमेंट बनेगा, टॉप मूवमेंट बनते ही आपकी वीडियो जो है वायरल हो जाएगी। देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें बनी है, तो जिससे मेरी वीडियो यहाँ पर देखिए नीचे क्या लिखा है, नाइस वर्क, दिस पार्ट ऑफ द वीडियो केप्ट योर व्यूअर्स वॉचिंग फॉर लॉन्गर देन यूजुअल, यानी इस पार्ट को मेरी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा देख रही है, तो इसी वजह से टॉप मूवमेंट बना है। और टॉप मूवमेंट बनने की वजह से ही यहाँ पर देखिए रियल टाइम व्यूज़ कितना आ रहा है, और इसी वजह से ये वीडियो देखिए यहाँ पर वायरल चल रही है। देखिए 381,000 के आसपास व्यूज़ आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने आपको मोटा मोटा समझाया कि आपको अपनी वीडियो की लेंथ लंबी रखनी, लंबी रखने के बाद आपको अपनी वीडियो में क्या कहते हैं कि इंट्रो बनाना, इंट्रो के बाद टॉप मूवमेंट बनाना, ये दो चीज़ बनते ही आपकी वीडियो में ऑडियंस रिटेंशन आ जाएगा। और जब आपकी वीडियो में ऑडियंस रिटेंशन आ जाएगा तो आपकी वीडियो जो है वहाँ से वायरल होना चालू हो जाएगी। तो ये यूट्यूब आपको खुद बताएगा, यूट्यूब आपको खुद सजेस्ट करेगा कि आपकी वीडियो वायरल होगी कि नहीं होगी। उसके लिए आपको क्या करना है, आप जैसे ही वीडियो अपलोड करो, अपलोड करने के बाद आपको 4 से 5 घंटे या 1 दिन बाद आपको अपनी वीडियो का एनालिटिक चेक करना है, ठीक। आपको अपनी वीडियो का YT स्टूडियो में जाके एनालिटिक चेक करना है। आपको एनालिटिक चेक करते जैसे आप वीडियो पर क्लिक करोगे, एनालिटिक में जाओगे तो आप नीचे जैसे वीडियो को बढ़ोगे तो वहाँ खुद ही आपको बता देगा ऑडियंस रिटेंशन बना है कि नहीं बना, ये टॉप मूवमेंट इंट्रो ये सब बना है कि नहीं बना। अगर ये सब बनने लगेगा तो आप लोग 100% समझ जाना कि आपकी वीडियो वायरल होने के चांस ज़्यादा है, आपका चैनल ग्रो होने का चांस ज़्यादा है, आपका चैनल जल्दी ग्रो हो सकता है। तो आपको इस तरीके से काम करना है, ठीक है। आपको यूट्यूब खुद बताएगा कि वीडियो कब वायरल होगी, आपका चैनल कब चलेगा। तो इसके लिए आपको बस लंबी वीडियो बनाते रहना है, और आपको हर एक वीडियो में अपना टॉप मूवमेंट इंट्रो और ऑडियंस रिटेंशन देखना है, और जिस वीडियो में ये चीज़ बन जाएगा तो वो वीडियो वायरल हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, उसी से रिलेटेड वीडियो बनाते जाना है, बनाते जाना है। तो धीरे धीरे देखना आपकी वीडियो 100% निकलने लगेगी और आपका चैनल बूस्ट हो जाएगा एकदम तेजी से, और आप लोग भी यूट्यूब पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर गेन कर लोगे, वॉच टाइम गेन कर लोगे और अर्निंग भी स्टार्ट कर दोगे। तो इस तरह से आपको YouTube खुद बताने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दी कि आखिर YouTube आपको किस तरीके से बताएगा, क्योंकि YouTube पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि YouTube कभी नहीं बताएगा, तो इस गलतफहमी में आपको नहीं रहना है, ठीक है। YouTube आपको खुद ही बताता है, बस आपको काम करना है, मेहनत करनी है, किस तरीके से काम करना है मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।